तो फ्रेंड आज बनाने जा रहे हैं केक बनाएंगे और ये केक बिना बेक किया हुआ बनाएंगे, ना स्टीम करेंगे ना बेक करेंगे। हम इस केक को इस ब्रेड से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और बनाएंगे भी। तो ये देखिए मैंने चार ब्रेड लिया है और सबसे पहले इन ब्रेड के हमें ये किनारे है ना ये हटा देने हैं। तो आप कैंची से चाकू से जिससे आप हटा पाएं उससे हटा सकते हैं, तो मैं इनको हटा दूंगी। तो देखिए मैंने सारे ब्रेड कट कर लिया है और ये जो कॉर्नर बचे हैं इनका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, तो कोई भी स्नैक्स में हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इनको भी एक साइड में रखते हैं, चलते हैं अगली तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने ये बिस्किट लिया है, आप बॉर्बन भी ले सकते हैं, आप ओरियो भी ले सकती हैं, पर मैंने ये डार्क फैंटेसी मंगाया है। और इसको हम खोल लेंगे, अभी हम ऐसे नहीं पीसेंगे इसको, इसको हम प्लेट में एक कटोरी में रखते हैं और इनके क्रीम निकाल लेंगे हम। इस तरह से चाकू ले लेंगे, इनको तोड़ तोड़ के इसमें डाल देंगे और इनकी क्रीम अलग कर लेंगे हम। तो देखिए सारे बिस्किट की मैंने क्रीम निकाल लिया है और उनको तोड़ देंगे, तोड़ के इनका पाउडर बना लेंगे। तो आप चाहें तो इसको गर्म दूध में भी छोटा छोटा तोड़ के और गर्म दूध में डाल सकती हैं तो भी ये पिघल जाएगा, लेकिन ये काम ज़्यादा आसान है, जो हम मिक्सी में चला लेंगे तो एकदम बारीक पाउडर बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो इसको हम पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, बढ़िया पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो ये वाला काम ज़्यादा आसान है, तो इसको हम इसी बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसको हमने बाउल में निकाल लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा दूध लेते हुए इसका एक पेस्ट की तरह तैयार करेंगे। तो दूध थोड़ा थोड़ा ही डालें, वरना ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह का बना के तैयार कर लिया है, हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए और इसको एक साइड में रखते हैं। ये मैंने चीनी लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक सिरप बना के तैयार करेंगे। चीनी को बढ़िया से घोल लेते हैं, आप चाहें तो इसमें गर्म पानी डाल दें, गर्म पानी से जल्दी चीनी घुल जाएगी। चीनी पिघल के तैयार हो गई है, इसको एक साइड में रख देते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं अपना केक। तो ये मैंने प्लेट लिया है और अब इसमें हम थोड़ा सा ये चॉकलेट मतलब बिस्किट का वो लगा देंगे ताकि हमारे ब्रेड इधर उधर खसके नहीं। ये लग गया और अब हम एक एक ब्रेड रखते हुए इस तरह से इसी के ऊपर रख देंगे और इसमें ये सिरप लगाएंगे जो चीनी को मैंने घोल के रखा है, ये थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इस तरह से। ये और अब इसके ऊपर लगाएंगे ये अपना जो चॉकलेट का मतलब जो बिस्किट का पेस्ट लगा के रखा है, बना के रखा है, ये डाल देंगे। इसको एक बार और चला लेते हैं। तो देखिए मैंने इसके नीचे चॉकलेट डाल दी थी, यही मतलब पेस्ट डाल दिया था, तो ये खिसकेगी नहीं, चिपक जाएगी नीचे। तो हम इसको अच्छे से लगा लेंगे। तो ये देखिए लगा दिया है, इसके ऊपर हम अब दूसरा ब्रेड रखेंगे और इसके ऊपर भी यही हम जो शुगर सिरप है ये लगाएंगे हल्का हल्का। और फिर से हम बिस्किट का ये लेप इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से हम पांचों ब्रेड लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने नीचे ऊपर सब में लगा लिया है और अब का बचा जो बचा हुआ है अब ये हम इसके चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से मुझे पूरा कवर करना है इसको, तो इस तरह से आराम आराम से आप लगा देंगे, बढ़िया से लग के तैयार हो जाएगा। तो हम चारों तरफ इसको कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बना के तैयार कर लिया है और अभी इसको एक साइड में रखते हैं। ये मैंने चॉकलेट ले लिया, इसको हम कद्दूकस से इस तरह से घिस लेंगे, मतलब हमें इसका बुरादा बनाना है तो हम पूरी घिस लेते हैं। ये मैंने देखिए बुरादा बना के तैयार कर लिया है और अब अपना ये केक उठाते हैं और एक हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। आपके पास अगर रिंग हो तो रिंग लगा सकते हैं, तो मेरे पास रिंग नहीं है अभी, तो मैं इस ढक्कन को इस जगह रख दूंगी एकदम सेंटर पे। इसको दाबेंगे नहीं, ऐसे ही मतलब रख देंगे
और ये बुरादा जितना है ये सब हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम इस बुरादे से इसको कवर कर देंगे पूरी तरह से। तो देखिए मैंने सारे में चॉकलेट बुरक लिया है इसमें अच्छे से, और अब इसको हटा देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल आया। और तो अब इसे डेकोरेट करते हैं। ये मैंने चॉकलेट के वही चौकोर मैंने कट कर लिया है, और अब इसको हम इसमें इस तरह से खोज देंगे। इस तरह से अब इसमें आगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी रख देंगे, बहुत अच्छी लगेंगी। आपके पास अगर चेरी हो चेरी रख सकते हैं, या चौकोस हो, जैम हो, जो भी आपके पास हो वो आप रख सकती हैं इसमें। और ये बहुत अच्छा केक बनके तैयार हो गया है हमारा। तो ये हमारा केक बनके तैयार हो गया बिना बेक किए हुए, बिना स्टीम ब्रेड का केक है, बहुत अच्छा बना है। मेरी छोटी छोटी मतलब थोड़ा छोटी ब्रेड थी, आपके पास अगर बड़ी ब्रेड हो तो उनसे और अच्छा बनेगा, और अगर मतलब बहुत छोटी ब्रेड है तो आप 2 स्लाइसेस इसमें लगा सकती हैं, और ये बहुत अच्छा केक बनके तैयार होगा। और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से आप इस तरह से इसे डेकोरेट कर सकती हैं इसमें भी लगा के इस तरह से, और बनाइए और इस केक का मज़ा लीजिए फ्रेंड्स, बच्चों को खिलाइए बिना झंझट के, बिना बेक किए हुए केक बनके तैयार हो गया है बहुत ही आसानी से। और अब इसको हम कट करके दिखाते हैं, इसको हम कट करके दिखाते हैं, और ये कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है हमारा केक। ये देखिए कितना अच्छा बना है, कितनी लेयर वाई लेयर दिख रही हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब आप भी बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। और हमारा केक आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।